हो तुम, गलत खींच रहे हो, बंदा वहाँ है। ये रोज वॉइस में कौन है? ये रोज इसका फोटो लो भाई। सीरियसली लेके आ गाड़ी है। I want to have a picture with this car. गाड़ी लाओ इधर। Congratulations lovely car. आज आगे वापस लेने। हाँ जी। ये सरप्राइज होता है तुमने इतनी बढ़िया गाड़ी ली भाई। हाँ। ब्यूटीफुल कार यार रियली। मैं तो ITA करता हूँ और गाड़ी खरीद लेता हूँ। यार ITA अवार्ड करो, एक नई गाड़ी खरीदो। यार सिंपल बट्टा है। चलो। वो ये रास्ता पूछ रहा था यार। हाँ ये पूछ रहा है। हाँ ये दर्शन परिजी से कि राज की मेरे इसको एक सेकंड जब पेमेंट के लिए 4 घंटे बैठा था 21st सर आप देना ऐसा भूल गए। मैं आपको वापस अशोक त्यागी के ऑफिस भेज दूंगा। तू रास्ते कैसे भूल गया? जब पेमेंट के लिए हम लोग एक हफ्ता यहाँ बैठे थे तब भूल गया। यही वो जगह है, यही जगह जो आधा लेने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा। बस क्लास क्या काम ना? अरे मैं नाइट कर रहा हूँ, रोज नाइट करके थक गया हूँ। पीछे फटी गए मैम। हमारा 21st है, यही वो लक्ष्मी ग्रुप है जो आग लगाने वाला है 11 तारीख। बिल्कुल इसी ग्रुप के भरोसे करता हूँ। इमोशन से चौक हो जाता हूँ लेकिन फैक्ट यही है। बस होस्ट मैं चौक हूँ। मनीष सर इधर इधर यहाँ पे वो जरा थैंक यू सो मच मैम। आप तो आओ। हाँ ये मैम सर सेंटर कृष्णा सर थैंक यू। बाइक करते हैं ITA का जब पूरा तैयारी वगैरह करते हैं तो छोटा सा एक लाइन आप क्या लाइन पहले तो ITA के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। ये आई थिंक मेरा कोई 5th या 6th टाइम है और बहुत कमाल का ग्रुप है। मनीष के साथ तो वैसे भी मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, तो मुझे जब पता चला ITA करना है तो मैंने बोला यार सबसे पहले मनीष हो जाए तो मज़ा आ जाएगा फिर साथ में। तो एक बड़ी अच्छी ट्विनिंग है, भरत जी हैं, जशी जी, काफ़ी लोगों को केमिस्ट्री आप दोनों की अच्छी लगती है। हाँ। आप कुछ कहना चाहोगे किस तरह से नाउ यू आर डूइंग अ शो ऑल्सो बिग बॉस या तो किस तरह से हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग? बस वो मैनेज करना ही बड़ा टफ हो जाता है हम लोग के लिए, लेकिन मैनेज कर रहे हैं। OMG की भी शूटिंग कर रहा था मैं अभी कश्मीर में, फिर बिग बॉस है और बिग बॉस से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बिग बॉस भी बहुत बढ़िया चल रहा है और सबके बहुत सारे फैंस हैं। कितना फॉलो कर पा रहे हो आप? हाँ मैं फॉलो करता हूँ डेफिनेटली, शो के लिए भी फॉलो करना पड़ता है। वैसे भी मैं बिग बॉस का फैन हूँ तो फॉलो करता हूँ। क्या लगता है कौन हु इज योर फेवरेट? मुझे ऐसा लगता है निम्रतिया प्रियंका दोनों में से कोई एक जीते भाई। एक रिएक्शन बस लेना है अभी अमित जी को लेकर जो आया है हाई कोर्ट से, ये क्योंकि आवाज़ और नाम और चेहरा यूज़ नहीं किया जा सकता है। आप अभी खुद आर्टिस्ट हैं, जब आप मिमिक्री करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिसमें किसी आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो तो कितना बड़ा वो रिस्पॉन्स? नहीं, अगर किसी का ऑब्जेक्शन है तो फिर हम डेफिनेटली नहीं करेंगे। कितना डिफिकल्ट हो जाएगा? सी देखिए जब तक थोड़े बहुत फन के लिए हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब तक अगर किसी एक्टर को प्रॉब्लम है, बोलते हैं कि नहीं करना है तो डेफिनेटली फिर नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है टॉप 3 पे कौन बिग बॉस के रहेंगे आपके? कोई निम्रत, प्रियंका और अब्दू मुझे लग रहा है। थैंक्स कृष्ण भाई, थैंक्स।